viewers, good morning. This is NJ here. Let's be going to used in speaking and see the sentences. Guys and girls, assalamu alaikum. Aaj hum English ka word gonna going to ka istemal jumlon mein karenge aur inse स्पोकन इंग्लिश में बोलचाल अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाले जुमलों को हसन तरीके से प्रॉपर एक्सेंट के साथ प्रोनाउंस करने की भरपूर मशक करते हैं। आइए पीछे वाइट बोर्ड पे इन्हें देखते हैं। हे यू आर गाइस, फर्स्ट वन इज व्हाट आर यू गोना डू What are you gonna do? आप क्या करने जा रहे हो? ये एक क्वेश्चन है, सवालिया है, जुमला है, सवालिया। आप क्या करने जा रहे हो? What are you gonna do? किसी से जब पूछना हो कि आप क्या करने जा रहे हो, तो इंग्लिश में कहते हैं What are you gonna do? आप क्या करने जा रहे हो? Next one is They are gonna pack up. वो काम बंद करने जा रहे हैं। They are gonna pack up. वो काम बंद करने जा रहे हैं। Next हमने जुमला देखा, guys। वो काम बंद करने जा रहे हैं। They are gonna pack up. Pack up खूबसूरत phrasal verb है जो spoken English के जुमले में इस्तेमाल किया गया है। वो काम बंद करने जा रहे हैं। आइए अगला जुमला देखते हैं। Next is The police is gonna stop the crime. पुलिस जुर्म को रोकने जा रही है। The police is gonna stop the crime. अगला जुमला गाइस आपने देखा, The police is gonna stop the crime. पुलिस जुर्म को रोकने जा रही है। तो पुलिस का एक फ्रेज़ है कि वो इंसानी जानों माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, तो उसी सिलसिले में ये जुमला अंग्रेजी में बोला जाता है, The police is gonna stop the crime. आइए अगला जुमला देखते हैं। Next one is We are gonna lie up. हम आराम करने जा रहे हैं। We are gonna lie up. Guys and girls, lie up phrasal verb है और इसे बड़ी खूबसूरती से अंग्रेजी के जुमले में इस्तेमाल किया गया है। हम आराम करने जा रहे हैं। We are gonna lie up. Next one is She's gonna set up a school. वो एक मदरसा कायम करने जा रही है। She's gonna set up a school. Guys and girls, जैसा कि आपने देखा, अगले जुमले में set up phrasal verb का इस्तेमाल हुआ। इंतहाई खूबसूरत जुमला है। She's gonna set up school. वो एक school कायम करने जा रही है। इसी तरह He's gonna set up a business. वो एक कारोबार कायम करने जा रहा है। आइए अगला जुमला देखते हैं। Next one is Boys are gonna visit the zoo. लड़के चिड़ियाघर की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ पे लड़कों के बारे में, तुलबा के बारे में कहा गया। स्टूडेंट्स बॉयज आर गोना विजिट द जू, लड़के चिड़ियाघर की सैर करने जा रहे हैं। गाइस एंड गर्ल्स, लेट्स हैव अ से अगेन। फर्स्ट वन इज व्हाट आर यू गोना डू आप क्या करने जा रहे हो?
आप क्या करने जा रहे हो? आप क्या करने जा रहे हो? What are you gonna do? ये क्वारी है, क्वेश्चन है, दूसरों से पूछना हो तो इंग्लिश में कहा जाता है What are you gonna do? आप क्या करने जा रहे हो? यानी इस वक्त आप क्या करने जा रहे हैं? और इसके पॉसिबल आंसर्स हमने कुछ देखे. नेक्स्ट वन इज वो काम बंद करने जा रहे हैं. They are gonna pack up. They are gonna pack up. They are gonna pack up. वो काम बंद करने जा रहे हैं. And next is the police is gonna stop the crime. The police is gonna stop the crime. पुलिस जुर्म को रोकने जा रही है. Next is we are gonna lie up. We are gonna lie up. We are gonna lie up. हम आराम करने जा रहे हैं. Next is she is gonna set up a school. She is gonna set up a school. She is gonna set up a school. वो एक मदरसा कायम करने जा रही है. वो एक स्कूल कायम करने जा रही है. ऐसे ही आप कह सकते हैं he is gonna set up a shop. He is gonna set up a business. वो एक कारोबार कायम करने जा रहा है. And last one is boys are gonna visit the zoo. Boys are gonna visit the zoo. लड़के चिड़ियाघर की सैर करने जा रहे हैं. लड़के चिड़ियाघर की सैर करने जा रहे हैं. Boys are gonna visit the zoo. Guys and girls, you have to make a lot of practice with these spoken English statements. I hope doing so you would be able to speak a good English. I wish you all the best. See you again. Goodbye.